जो है परीक्षण की विधियों में कल हमने निदानात्मक परीक्षण का अध्ययन किया था, आज हम उसी के अंतर्गत जो है उपचारात्मक परीक्षण रेमेडियल टीचिंग जो होती है टेस्ट, उसका अध्ययन करेंगे। उपचारात्मक से तात्पर्य है उसका इलाज करना। जैसा मैंने आपको पूर्व में निदानात्मक में बताया था कि निदानात्मक मतलब डायग्नोस करना। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को हम अपने रोग के बारे में बताते हैं कि हमको ऐसा ऐसा हो रहा है और इसके कारण से हमारे को ये परेशानी हो रही है, तो वो हमारे रोग को पकड़ता है कि और कि इनको क्या बीमारी है। ठीक है, जब उसको बीमारी का हमारा पता चल जाता है कि हमारे को ये बीमारी होने के कारण से हमारे को ये विकार आ रहा है, ये तकलीफ हो रही है, तो वो डायग्नोस कर लेता है और उस डायग्नोस करने के बाद में उपचार के रूप में वो दवाई देता है और उस प्रिकॉशन बताता है कि हमको क्या खाना चाहिए, क्या कैसे रहना है, क्या क्या दवाइयाँ लेनी है, किस किस समय लेनी है, कितने दिन लेनी है, ये सारी जानकारी हमको देता है। वो क्या कहलाता है? उपचार, जिसमें वो डॉक्टर बीमारी को जानकर दवाई देकर मेडिसिन देकर उसका उपचार कर रहा है। वैसे ही शिक्षण के अंतर्गत जो है उपचारात्मक शिक्षण का भी बहुत महत्व है। जब शिक्षक विद्यार्थी की कमियों को जान जाता है, त्रुटियों को पहचान जाता है, विषय से संबंधित परेशानियों को जान जाता है, तब वो उसको जानने के बाद उसको दूर करने का प्रयास करता है। अब वो प्रयास किस प्रकार से करता है, वो उसका क्या कहलाएगा? उपचार करना, जिससे विद्यार्थी को विषय से संबंधित आने वाली कठिनाइयों को वो दूर करने का प्रयास करेगा, वो कहलाता है उपचार करना, अर्थात सुधार करना। उपचारात्मक शिक्षण से का जो अर्थ है उससे तात्पर्य है सुधार करना, अर्थात स्थिति में सुधार लाना। रोग है तो दवाई देकर उसकी रोग को ख़त्म कर रहे हैं, अर्थात उसकी पीड़ा को कम कर रहे हैं, उसके शारीरिक रोग की रोकथाम कर रहे हैं, उसकी जो सुधार की स्थिति ला रहे हैं, है ना। वैसे उसको इस सुधार शब्द से उसका अर्थ लिया गया है। इसमें जो है सुधारात्मक शिक्षण के अंतर्गत छात्र की कमी, दोष, कठिनाई को जानकर शिक्षक जो है उसकी को दूर करने का प्रयास करता है, उनको सुधारने का प्रयास करता है, जिससे उसकी वह कमी दूर हो जाती है। उनकी कमियों को जान के, उनके कारणों को जानकर उसको दूर करने के लिए वो प्रयास करता है। कौन कौन सी तकनीक अपना रहा है, कौन कौन सी विधियां अपना रहा है, जिससे उसके वह दोष जो है दूर हो जाए। ठीक है, जब अधिगम में बालक को जब अधिगम में कठिनाई में आती है और शिक्षक उसको सुधार करने के प्रयास करता है, तो जो है वह उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है, जिसके माध्यम से एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करता है। और विद्यार्थी, क्योंकि कक्षा में सभी तरह के विद्यार्थी होते हैं और जो शिक्षक शिक्षण कार्य कराता है वो सभी स्तर के बालकों को ध्यान में रखकर कराता है, तो जिस कैटेगरी का है वो उस कैटेगरी के अनुसार उसको समझ लेता है, जिसके जितनी आईक्यू है उसके अनुसार वो उसको समझ लेता है। जब वो उसका परीक्षण लेता है, मूल्यांकन करता है, टेस्ट लेता है, तब उसको शिक्षक को विदित होता है कि बालक जो है फला विषय में कमज़ोर चल रहा है। अब वो कमज़ोरी क्यों है? क्या उसका आईक्यू लेवल कम है? क्या वो विषय के प्रति रुचि नहीं ले रहा है? क्या वो जो है जो त्रुटि है वो उसकी नींव से ही बनी आ रही है? तो वो उसको धीरे धीरे उसको दूर करने का प्रयास करता है। इसको जो है रेमेडियल टीचिंग भी कहते हैं। इसमें एक शिक्षक बालक को व्यक्तिगत रूप से अटेंशन देता है। ठीक है, उसकी वो जो कमी है जिसको वो जान चुका है, उसको वो जानकर पर्सनल अटेंशन देकर उसको वो दूर करने का प्रयास करता है। इसके लिए वो अतिरिक्त कक्षा में जो है उसको शिक्षण कराता है, या उसको अलग से लेकर उसको उसकी जो उस विषय से संबंधित अरुचि है, कमी है, उसको दूर करने का प्रयास करता है, ताकि उसकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सामान्य बालकों के अनुसार चलती रहे और उसकी जो कमी है वो दूर हो जाए। ठीक है, इसी को जो है
सिम्पसन नामक जो विद्वान है उसने भी उनकी परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य सभी प्रकार की अधिगम संबंधी त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए प्रभावशाली विधियों का विकास करना है। कि जो बालक की अधिगम से संबंधित सीखने के लिए जो बालक की अंदर जो कमियां हैं, जो त्रुटियां बनी हुई हैं, उसके लिए वो कौन कौन सी नई नई विधियों का प्रयोग कर रहा है जिससे उसकी वो कमी को दूर किया जा सके। अब है जो उपचारात्मक प्रक्रिया, कि किस प्रकार से जो बालक की उपचारात्मक परीक्षण करके उनका कमियों को दूर किया जा सकता है। उपचारात्मक प्रक्रिया की जो है चार प्रक्रियाएं बताई हैं, उसमें पहला है अनुवर्ग। अनुवर्ग को ट्यूटोरियल भी कहा जाता है। ट्यूटोरियल से तात्पर्य है, कहा जाता है ट्यूटोरियल से तात्पर्य, इसमें छात्रों को की जो है व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षण कराने पर बल दिया जाता है। क्योंकि हर बालक की अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, वो हर बालक हर चीज विषय में रुचि नहीं लेता, कोई दूसरे विषय में रुचि लेता है तो कोई अन्य विषय में, तो उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षण कराने पर बल दिया जाता है। दूसरा है स्वामित्व अधिगम। कि स्वामित्व अधिगम से तात्पर्य है, इसमें कमजोर छात्रों को अतिरिक्त समय दिया जाता है। जो छात्र विषय में बहुत अधिक कमजोर होते हैं उसको शिक्षक जो है अलग से समय देकर उसकी कमजोरी को दूर करने का प्रयास करता है, जिससे उस बालक के मन में उस विशेष के प्रति रुचि उत्पन्न होए। तीसरा है साखीय अभिगमित अनुदेशन। अनुदेशन की प्रक्रिया जो है साखीय एक रेखा के रूप में चलती है, अर्थात इसके अंतर्गत जो है अनुदेशन की प्रक्रिया पर, मतलब सीखने की प्रक्रिया पर विशेष बल दिया जाता है। इसमें छात्र को एक रेखा के एक कंटिन्यूएशन में सीखने पर बल दिया जाता है। क्योंकि जब हम सीखने की प्रक्रिया में जब व्यवधान आ जाता है तो बालक उस व्यवधान के कारण से उसकी रुचि कम होती चली जाती है, तो लगातार उसको सिखाने पर और सीखना भी सरल से कठिन की ओर, क्योंकि धीरे धीरे हम उसको कठिनाई की ओर ले जाएंगे तो बालक उसमें रुचि लेगा। और अगला है समायोजन एडजस्टमेंट प्रविधियाँ। जो एडजस्टमेंट्स हर जगह समायोजित करते हुए बालक को शिक्षण कार्य कराना, जिससे बालक को एडजस्ट करने में कक्षा के वातावरण में अपने आप को अलग से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत नहीं आए और उसको ऐसा नहीं लगे कि अन्य छात्र मुझसे जो है बहुत उच्च है, बहुत अधिक आता है और मुझे कुछ नहीं आता है। वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसके अंदर बालक के अंदर नहीं आना चाहिए। इसको समायोजित करते हुए शिक्षण कराने पर बल दिया जाता है। इस प्रकार से उपचारात्मक शिक्षण जो है बालक की कमजोरियों को दूर करके उसको दूर करने का प्रयास कराने पर बल दिया जाता है। इसमें बालक की कमजोरियों को किस प्रकार से दूर करना है, इसके लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जाता है, विशेष वातावरण उत्पन्न किया जाता है। ये बालक की कमजोरी को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज का गृह कार्य है उपचारात्मक परीक्षण से क्या अभिप्राय है, इसकी प्रमुख प्रक्रियाएं बताइए।